शनिवार की शाम एक कटिंग चाय के साथ मैं पराग भायानी, घर निवास शरण और आराम का स्थान होता है या एक मंदिर जहां पर हमारे अपनों के दिल धड़कते रहते हैं। आइए इसी पर आधारित एक कविता सुनते हैं और आशा है आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो आगे जरूर भेज देना। आइए शुरू करते हैं। कागज के टुकड़ों पर स्याही के छिड़काव वाला घर या अपनों की हंसी खुशी से भरा खिलखिलाहट वाला घर, सुबह होते ही निकल पड़ते रात को सोने के बिस्तर वाला घर या घर पर ना होते हुए भी अपनों की पल पल याद दिलाने वाला घर, कपड़े जूते साधन सामग्री का बना गोदाम वाला घर या मां बाप के आशीर्वाद से हुआ मालामाल वाला घर, आपस की तकरार के शोर शराबे वाला घर या एक दूजे की धड़कन से गुंजता परिवार वाला घर, रंग रूप सजाकर हर ओर देख दिखावा करने वाला घर या दिल में उमड़ती ममता को बढ़ावा देने वाला घर, सिसकते दम घोटते रिश्तों का चार दीवारों वाला घर या हर नाजुक पल में हाथ थामे हौसला बढ़ाने वाला घर, सच और झूठ की लड़ाई में टूटने बिखरने वाला घर या माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चे बूढ़े के प्यार में फलने फूलने वाला घर, सोने की थाली में 56 भोग परोसे अकेलेपन वाला घर या दोस्तों रिश्तेदारों के संग दाल रोटी का अपनेपन वाला घर, जर जमीन मकान दुकान में दिन रात बर्बाद करने वाला घर या रिश्तों की देखरेख करने में पल पल निवेश करने वाला घर, शक के बादलों से छाया अंधेरे वाला घर या विश्वास की किरणों से चमकता उजाले वाला घर, ईंट पत्थर सीमेंट गर्डर से बना छत वाला घर या सूझबूझ की नींव पर खड़ा एक दूजे की ताकत वाला घर। क्या कहते हो, कागज के टुकड़ों पर स्याही के छिड़काव वाला घर या अपनों की हंसी खुशी से भरा खिलखिलाहट वाला घर? सुनने और सराहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को एक नई कविता के साथ। तब तक आप और आपके प्रियजन मस्त और तंदुरुस्त रहे, यही प्रार्थना भगवान से है। धन्यवाद।